इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल का हाल ही में संपन्न हुआ भारत दौरा दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के विकास के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान जर्मन चांसलर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों से मिले और बहुत से अहम मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। व्यवसाय, वाणिज्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा विकास आदि विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, साझेदारी को सशक्त करने के लिए बहुत सी बातें हुई और बहुत सी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। कुल मिलाकर भारत और जर्मनी के बीच में 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए इस मुलाकात के दौरान। लेकिन इस मुलाकात की जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे अहम उपलब्धि थी, वो ये रही कि भारत और जर्मनी दोनों देशों ने मिलकर आतंकवाद के साथ एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया। यानी विश्व में जो आतंकवाद, खास करके वो आतंकवाद जो कि इस्लामिक जिहाद की जड़ें जिसको सींचती हैं, वो आतंकवाद जो विश्व में फैला है, उस आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें जर्मनी ने भारत के साथ साझेदारी करने का प्रण किया। दोनों देशों ने ये भी तय किया कि वो इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखेंगे कि किसी भी देश की धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को योजनाबद्ध करने के लिए ना किया जाए, और इसके लिए दोनों देशों के बीच परस्पर इंटेलिजेंस का आदान प्रदान होगा जिसके जरिए वो विश्व में फैले आतंकवाद से लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है, खासकर कि पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से इस विदेश नीति का विश्व के विभिन्न कोनों में विस्तार हुआ है, उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और इसकी शुरुआत हुई कुछ समय पहले जो हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था टेक्सस में, उससे जिसकी साक्षी पूरी दुनिया थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ सम्मिलित हुए थे और उन्होंने अमेरिका में रह रहे असंख्य भारतीयों को मोदी जी के साथ में मिलकर संबोधित किया, बल्कि भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जो भारत ने लड़ाई छेड़ी, उसमें भारत के साथ देने की सार्वजनिक तौर पर बात भी कही। तो इस हाउडी मोदी कार्यक्रम से लेकर कुछ दिनों बाद ही संयुक्त राष्ट्र सभा की जनरल असेंबली में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए जो एक बहुत ही सारगर्भित और प्रभावशाली वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य से लेकर हाल ही में यूरोपीय संघ के सदस्यों ने जो जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जम्मू कश्मीर पर से धारा 370 हटने के काफी समय बाद, तो इन सभी कड़ियों को अगर हम आपस में जोड़े तो भारत की सकुशल विदेश नीति के दर्शन होते हैं कि किस प्रकार भारत ने अपनी सकुशल विदेश नीति से आतंकवाद के मुद्दे से लेकर जम्मू कश्मीर पर से धारा 370 हटने तक के मुद्दे को लेकर विश्व के सभी देशों को अपने साथ एक मत किया है, अपने मत में सम्मिलित किया है। और जबकि अब जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और अब वो बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर प्रगति के पद पर अग्रसर होगा, तो ऐसे समय में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है कि एक और राष्ट्र की, एक ऐसा यूरोपीय राष्ट्र जो कि विश्व में बहुत ताकतवर है, जो कि विश्व के मानचित्र पर बहुत मायने रखता है, जर्मनी की प्रमुख एंगेला मार्केल भारत आती हैं और भारत के साथ मिलकर आतंकवाद की लड़ाई में सहयोग देने की बात करती हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक विजय है। अब अगर वापस हम इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे की तरफ जाते हैं या फिर एक ऐसे आतंकवाद
की तरफ जिसकी जो जड़ें हैं वो कट्टरपंथी इस्लाम ने सींची हैं, और जिस आतंकवाद का दंश अमेरिका सहित यूरोप के बहुत से राष्ट्रों ने झेला है और झेल रहा है, तो जर्मनी भी जो है वो इस्लामिक आतंकवाद के दंश से ग्रस्त है और जर्मनी भी इसके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। अब अगर कुछ तथ्यों की ओर गौर करें तो जर्मनी में कम से कम 4 मिलियन मुसलमान रहते हैं, और इनमें से अधिकतर मुसलमान जो हैं वो तुर्की मूल के हैं, लेकिन जर्मनी में रहने वाले बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो कि इराक, सीरिया आदि पड़ोसी देशों से आए हुए शरणार्थी हैं, जो कि यहाँ पर इन पड़ोसी देशों से आकर बसे हैं और यहाँ पर अपना जर्मनी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जहां तक आतंकवादी हमलों की बात है तो जर्मनी में जो सबसे बड़ा सामिक आतंकवादी हमला हुआ था वो 2016 में हुआ था। सार्वजनिक तौर पर ये हमला हुआ था जब जर्मनी के एक भीड़ भड़ाके भरे क्रिसमस मार्केट में से एक ट्रक गुजरा था, और इसी ट्रक के द्वारा ये विध्वंसकारी हमला किया गया था जिसमें कम से कम 12 लोगों की जाने गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 2016 में ही जर्मनी को 5 और ऐसे हमलों का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जर्मनी भी इस्लामिक आतंकवाद से जो जुड़े हुए हमले हैं उनका दंश झेल चुका है। लेकिन इमिग्रेशन को लेकर, शरणार्थियों को लेकर जो जर्मनी का रवैया है वो काफी नर्म रहा है। अगर इसका मुकाबला हम अमेरिका के रवैये से करें या फिर यूरोप के अन्य देशों से के रवैये से भी करें तो शरणार्थियों को लेकर जर्मनी का रवैया कुछ अधिक नरम रहा है, और इसके पीछे वजह ये भी है कि यहाँ हालात थोड़े पेचीदा हैं। जहाँ एक तरफ इन शरणार्थियों में से आए हुए बहुत से शरणार्थी ऐसे हैं जो कि इस्लामिक स्टेट द्वारा भेजे गए हैं जर्मनी में जिहाद की आग फैलाने के लिए, यहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद के तार फैलाने के लिए, तो इनमें से कई शरणार्थी ऐसे भी हैं जिनका वास्तविकता में आतंकवाद से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और यहाँ पर कई ऐसे मुस्लिम शरणार्थी भी बसे हैं जो कि सिर्फ इस्लामिक स्टेट की क्रूरता बर्बरता से बचने के लिए, उनकी क्रूरता और बर्बरता से दूर जर्मनी में एक शांतिपूर्ण जीवन यापन करना चाहते हैं। तो ये पता लगाना जर्मनी जैसे देश के लिए बहुत मुश्किल है कि कौन से शरणार्थी ऐसे हैं जो कि इस्लामिक स्टेट द्वारा जिहाद फैलाने के लिए भेजे गए हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि वास्तविकता में सिर्फ एक अमन चैन की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो इसीलिए भी कि जर्मनी की मजबूरी है कि वो इन शरणार्थियों को लेकर एक बहुत जरूरत से ज्यादा कड़ा रवैया नहीं अपना सकता, लेकिन एक बात ये बात भी तय है इसके साथ में कि इस्लामिक आतंकवाद को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में विमर्श छिड़ा हुआ है तो उसे लेकर जर्मनी में भी एक विमर्श छिड़ गया है, और जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल का यहाँ भारत आना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर आतंकवाद पर चर्चा करना और भारत के साथ मिलकर इस लड़ाई में सहयोग करने की बात करना भी आतंकवाद के खिलाफ, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो दुनिया भर में विमर्श छिड़ा है इसी कड़ी को आगे बढ़ाता है, इसी बात का द्योतक है। और भारत के लिए भी, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। अब अगर हम इस वक्तव्य के आखिरी और एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर आए तो ये है कि जर्मनी आखिरकार क्यों खुलकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल सकता, और उसे ऐसा करने के लिए अक्सर किसी ना किसी देश की आड़ चाहिए होती है, किसी की मदद चाहिए होती है, जो भूमिका, जो किरदार अब तक अमरीका निभा रहा था और अब बहुत हद तक भारत की वो किरदार निभाए जाने की उम्मीद है, उसके पीछे की वजह ये है, उसका जो मर्म है वो जर्मनी के इतिहास में छुपा है। हिटलर के काल में जो विध्वंसकारी भीषण यहूदी नरसंहार हुआ था जर्मनी में, जर्मनी उसका जो भूत है, उसकी परछाइयां है, उसका जो दर्द है उसे अभी भी झेल रहा है, और इस सदमे से जर्मनी पूरी तरह से उबरा नहीं है, और इस सदमे से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, दुनिया के सामने अपनी एक अच्छी छवि प्रस्तुत करने के लिए और खुद को
इस इतिहास की इस यातना से बेदाग बाहर निकालने के लिए जर्मनी की ये मजबूरी भी है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ थोड़ा नरमी से बर्ताव करे और विश्व के सामने ऐसी छवि प्रस्तुत करे जिससे विश्व को ऐसा ना लगे कि जर्मनी का वो क्रूर, वो बर्बरता भरा जो इतिहास है वो दोबारा झांकने वाला है, दोबारा आने वाला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्मनी की मजबूरी है कि वो बहुत सी चीज़ें जानते हुए भी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुद अकेले खुलकर खड़ा नहीं हो सकता और शरणार्थियों के खिलाफ भी खुद अकेले कोई बहुत ही ज़्यादा सख्ती के कदम नहीं उठा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी इस्लामिक आतंकवाद की जो आग है जर्मनी अब उससे सर्वथा अनभिज्ञ नहीं है। इस समस्या से जर्मनी पूरी तरह से वाकिफ हो चुका है और वहाँ की जो पुलिस है उसमें भी कई तरह के फेरबदल किए जा रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए। और जिस प्रकार से जर्मनी अब भारत सहित और देशों के साथ साझेदारी कर रहा है आपसी इंटेलिजेंस के आदान प्रदान से, इंटेलिजेंस शेयरिंग के माध्यम से, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद की जो जड़ें हैं वो जिस प्रकार से शरणार्थियों की जो चेन है उनके जरिए इस्लामिक आतंकवाद की जो आग फैल रही है जर्मनी में, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें से सारे जो शरणार्थी आए हैं उसमें से सारे मुस्लिम शरणार्थी ही जिहाद की आग फैला रहे हैं, जिहाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि वो जर्मनी जो है वो एक इस्लामिक आतंकवाद की संभावित सुरंग जैसी बन चुकी है। और इसीलिए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है, भारत की एक निष्पक्ष विदेश नीति है और भारत ने ये बात हम सबको याद रखनी होगी इस्लामिक राष्ट्रों के साथ भी अच्छे संबंध कायम किए हुए हैं, अच्छे रिश्ते कायम किए हुए हैं, तो भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जो कि जर्मनी जैसे देश के साथ मिलकर इस्लामिक आतंकवाद को दूर करने के इस क्षेत्र में सहयोग दे सकता है। और जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल का भारत आना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर भारत और जर्मनी की साझेदारी की बात करना आतंकवाद से निपटने के लिए इसी कड़ी को दर्शाता है और विश्व मानचित्र पर भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व को दर्शाता है। धन्यवाद।